हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता आपका स्वागत करती हूँ टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आटे का इंस्टेंट डोसा, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है। तो चलिए शुरू करें। इसके लिए मैं एक बाउल में एक कप चावल का आटा लूँगी और एक कप गेहूं का आटा लूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप सूजी। सूजी डालने से हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और लूँगी आधा कप दही। इसमें अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने छील के इसको ग्रेट कर लूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़ा प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये करी पत्ता है, इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अब इसमें मैं करीब 4 कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे। पानी मगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस बैटर को हम लोग मिलाते जाएंगे। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। इसको हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसकी हमको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें हमारे लम्स बिल्कुल ना रह जाए और इसको करीब 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको मैं गर्म करके इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। उसको मैं ब्रश की सहायता से तेल को पूरे तवे पे फैला लूंगी। मैं यहाँ पे 1 चम्मच बैटर डाल रही हूँ, आप चाहें तो और भी बैटर डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और ऊपर से तेल लगाऊंगी ताकि जो डोसा है हमारा थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। जब ये हमारा एक तरफ से सिक जाएगा, और हाँ दोस्तों, इसको आपको मीडियम आँच पे ही सेकना है। तेज आँच में सेकेंगे तो डोसा आपका जल जाएगा। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इसको आप धीरे धीरे करके पलटा के इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लीजिएगा। ये देखिए, हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने अपने सारा डोसा बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको सर्व करूँगी ऑनियन टमाटो की चटनी के साथ। ऑनियन टमाटो की चटनी की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, तो आप उस लिंक से ऑनियन टमाटो की चटनी भी घर पे इजीली आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरे आटे का इंस्टेंट डोसा की रेसिपी कैसे लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।